after. How do you feel this place? It's very nice, very beautiful. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम आए हैं हिमायूज टॉम। मेरे साथ आया है अमन। कैसे हो अमन? बढ़िया। तो मैं और अमन आज चलते हैं हिमायूज टॉम और आपको दिखाते हैं हिमायूज टॉम कैसा है और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ आपको दिखाएंगे, हम टोटली कवर करते हैं। तो चलते हैं। फ्रेंड्स, बाहर से घूमते हुए अब हम जा रहे हैं मेन एंट्री की तरफ। तो मेन एंट्री अब हमारे बिल्कुल सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। दिल्ली एनसीआर से होते हुए मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखते हैं आज कैसा लगता है। एंट्री के पास ही यहाँ पर एक एग्जीबिशन बनाया गया है जिसमें कि पूरा मॉडल तैयार किया गया है, पूरा मॉडल को दिखाया गया है। तो एक बार देखते हैं, आइए। ये ईसा खान के मकबरे की खुदाई से मिला कुछ सामान उस टाइम का। कैसा कैसा सामान यूज होता था उस टाइम पे। हिमायूज टॉम के बनने के लगभग 80 ईयर्स के बाद ताजमहल को बनाया गया था। ये बलुआ पत्थर से, लाल पत्थर से बना हुआ है और जो हमारा ताजमहल है वो जो है संगमरमर से बना हुआ है। तो एक बार पास से देख लेते हैं इसको। चलिए, तो फ्रेंड्स, कितने लोग आप में से जानते हैं कि हिमायूं कौन था? कितने लोग, सच में बताना, सच में, रियल में। अमन, तुम जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। कौन था हिमायूं? नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। हिमायूं जो था बाबर, बाबर का बेटा था। बाबर जो था फर्स्ट मुगल था, फर्स्ट मुगल शासक था जिसने हमारे इस देश पर राज किया। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद अकबर का बेटा शाहजहां,
और लास्ट शायद बहादुर शाह जफर थे। हुमायूं का बर्थ कहाँ हुआ था पता है तुम्हें? अफगानिस्तान। यस, ये तो तुम्हें पता है भाई, हुमायूं का बर्थ अफगानिस्तान में हुआ था, काबुल में हुआ था, अफगानिस्तान के काबुल में। और फिर वो दिल्ली आए अपने अब्बा हुजूर के साथ और यहाँ पर आकर उनका सीढ़ियों से गिरकर उनका इंतकाल हो गया। किसी लड़ाई में नहीं हुआ, सीढ़ियों से गिर गए थे वो, तो उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। और उनकी मौत के करीबन 8 साल के बाद उनकी बेगम ने ये मकबरा बनवाना शुरू किया था, 8 साल के बाद। A few moments later. चलते हैं थोड़ा अंदर। फोर गेट हैं इसमें एंट्री के, जिसमें कि सिर्फ एक ही गेट ओपन है एंट्री के लिए। एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही गेट से हो रही है फिलहाल, सारे गेट बंद हैं बाकी। सारे गेट जो हैं बंद किए हुए हैं, जाली वाले गेट लगाकर, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये इस तरह की जाली लगा रखी है, इस तरह की, इस जाली से जो है बाकी के सारे रास्ते जो हैं अंदर आने के वो सब बंद किए हुए हैं। एक रास्ता ओपन है,
उसी से एंट्री और उसी से एग्जिट है, तो अब हम उसी रास्ते से एग्जिट हो जाते हैं जिससे एंट्री कहते हैं। तो चलो, बादशाह हुमायूं के अलावा मुगल परिवार के करीबन 150 लोगों की कब्रें या मकबरे कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुछ इस तरह है। A few moments later. से नीचे आते हैं ऊपर से, तो ये इनके जो नाई थे बादशाह हुमायूं के, ये उनकी कब्र है। अच्छा, तो अमन भाई ये तो बताओ, ये बनवाया किसने था? शाहजहां ने। शाहजहां ने? क्या बात कर रहे हो यार, शाहजहां तो उसका पोता था, शाहजहां तो हुमायूं का पोता था। भाई ये जो बनवाया था हुमायूं की वाइफ ने उनकी डेथ के 8 ईयर के बाद, जी उनकी डेथ के 8 ईयर के बाद बनवाया था। अब याद रहेगा, ठीक है, हिस्ट्री भी पढ़ा करो, कभी कभी काम आएगी आगे चल के। चलें अब? चलो। A few moments later. तो गाइस ये है अरब सराय गेट, अंदर चलते हैं एक बार देखते हैं। हे गाइस, तो हमारे साथ यहाँ कुछ विजिटर्स हैं जो हुमायूं टॉम घूमने आए थे। तो मैम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हुमायूं टॉम आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप ऑटो या रिक्शा करके भी आ सकते हैं। बाकी आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो पार्किंग साइड में ही है, पार्किंग में, तो कोई इशू नहीं है। वन टाइम विजिट तो बनता है दोस्तों। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड, आप मुझे बताइएगा ज़रूर ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।